खास खबर के प्रस्तुत करता है पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच MDH। विक्रमादित्य सिंह ने किया रोजगार संघर्ष यात्रा का नेतृत्व, लोगों से अभियान को अपना समर्थन देने का किया आह्वान। इसके साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने साधा जयराम सरकार पर निशाना। ऊना गोलीकांड में मारे गए रविंद्र सेठी की पोस्टमार्टम में देरी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, परिजनों और मुकेश अग्निहोत्री ने बताया गोलीकांड को राजनीतिक हत्या। युवाओं के लिए मसीहा बनकर आए मुकेश ठाकुर, मुकेश ठाकुर ने की है भर्ती होने वाले युवाओं के लिए व्यवस्था, कहा जब तक भर्ती चलेगी तब तक इसी तरह का आयोजन मुकेश ठाकुर द्वारा किया जाएगा। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल जम्मू पर आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। प्रदेश कांग्रेस महासचिव विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंडी के करसोग और जंझेली में युवा रोजगार संघर्ष यात्रा का नेतृत्व किया और लोगों से इस अभियान को अपना भरपूर समर्थन देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और उसके लिए ये प्रदेश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था, कांग्रेस उसे हर हाल में पूरा करेगी। वहीं इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी और क्षेत्र के अनेक पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वर्तमान सरकार की ओर से प्रदेश के मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के लिए लिए गए फैसलों का लाखों लोगों को सीधा लाभ पहुंच रहा है, ये बात शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कही। हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का फैसला लिया था और पिछले पौने पांच साल के दौरान प्रदेश में 24 जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश के युवा वोटरों को रिझाने के लिए शुरू की गई युवा रोजगार संघर्ष यात्रा का आयोजन मंडी जिला के करसोग और स्वराज विधानसभा क्षेत्र में किया गया। शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सैकड़ों समर्थकों सहित लोगों से इस अभियान को समर्थन देने का आह्वान किया है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज के जंझेली पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन कर प्रदेश में सियासी हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं को 680 करोड़ का बजट देने की गारंटी दी है और उसमें हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया, जिसके माध्यम से युवाओं को स्वयं रोजगार शुरू करने के लिए बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा। ऊना के दलहड़ गांव गोलीकांड में मारे गए कांग्रेसी कार्यकर्ता रविंद्र सेठी के पोस्टमार्टम में देरी किए जाने को लेकर परिजनों ने अस्पताल में डेड हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल कल देर शाम ऊना के दलहड़ गांव में एक व्यक्ति को अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारने के बाद उसके जिला अस्पताल में मौत हो गई। शव पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस में रखा गया और मृतक के परिजन और कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री और अन्य लोग मृतक का शव लेने पहुंचे और पोस्टमार्टम में विलंब होने के चलते उन्होंने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया।
वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इसे राजनीतिक हत्या करार दिया है और जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। पालमपुर में हर साल होने वाली आर्मी भर्ती में इस बार प्रदेश भर से आने वाले युवाओं के लिए परागपुर के मुकेश ठाकुर ने टांडा में रहने और खाने की व्यवस्था की है, जिसमें कि 700 से 800 युवा हर रोज यहां इनके पास रह रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। पालमपुर में आर्मी की भर्ती में अक्सर युवाओं को फुटपाथ पर सोना पड़ता था और कई बार तो भीगती बरसात में भी युवक अपने लिए छत ढूंढते थे, लेकिन इस बार इन्हें इस तरह की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुकेश ठाकुर ने युवाओं के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की है, जिससे कि युवाओं को सर छुपाने के लिए जगह मिल गई है। बता दें कि जब तक भर्ती चलेगी तब तक इसी तरह का आयोजन मुकेश ठाकुर द्वारा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में बरसात के मौसम में पहाड़ियों पर लगातार धुंध पड़ रही है और रुक रुक कर बरसात भी हो रही है, जिसके चलते यहां के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। बाहर प्रदेशों से आए श्रद्धालु इस सुहावने मौसम का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन गाड़ियां चलाने में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण दिन में भी लाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है और बरसात के इस मौसम में 3-4 महीने श्री नैना देवी में इस तरह का मौसम रहेगा। करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित जिला बिलासपुर के घुमारवे में स्थित सब्जी मंडी के भवन को प्रति माह महज 4,000 रुपए किराए पर देने के मामले ने अपूर पकड़ लिया है। पूर्व विधायक राजेश धर्मानी और किसान और बागवान संघ के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल शर्मा का कहना है कि सभी नियमों को ताक पर रखकर भाजपा ने अपने चहेतों को रेवड़ियां बांटी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बुधवार को अपने गृह क्षेत्र सराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और क्षेत्र के धरूटधार हेलीपैड के सौंदर्यकरण कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। सीएम बस्सी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं बस्सी में वेटनरी डिस्पेंसरी का भी शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सराज बस क्षेत्र के बागा चौकनी के करोड़ों की सौगातें देंगे और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धरवा थार्च का उद्घाटन करेंगे। सीएम लंबा थार्च में जलशक्ति विभाग इंस्पेक्शन हट का उद्घाटन करेंगे और जिला स्तरीय लंबा थार्च मेले के समापन समारोह की भी अध्यक्षता करेंगे। पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बरिंदर सिंह ढिल्लों ने कांग्रेस मुख्यालय शिमला में आम आदमी पार्टी को अपने निशाने पर लिया है। बरिंदर सिंह ढिल्लों ने प्रदेशवासियों को आम आदमी पार्टी के बहकावे में न आने की अपील की है। बरिंदर ढिल्लों ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे कर पंजाब में अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन पंजाब में जो हालात हो गए हैं उससे अब आपका झूठ और फरेब का पर्दाफाश हो गया है। शिक्षा के लिए दिल्ली मॉडल का प्रचार करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार में यह हाल है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में बीते 4 महीने से बच्चों को किताबें नहीं मिल रही। कांग्रेस की रोजगार संघर्ष यात्रा बीते दिन समाप्त हो चुकी है। यात्रा के तीसरे दिन आरएस पाली का काफिला सड़क मार्ग के जरिए नूरपुर से चंबा पहुंचा और ऐसे में यह यात्रा जब भटियात पहुंची तो वहां आरएस पाली का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर आरएस पाली ने एक बार फिर रोजगार संघर्ष यात्रा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। चंबा के भटियात में भिलई माता मंदिर में आरएस पाली ने पूजा अर्चना की और शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। आरएस पाली की यात्रा में हजारों का जनसैलाब उमड़ा। यात्रा के चौथे दिन कांगड़ा और चंबा से गुजरने वाली यात्रा में लगभग 5,000 लोगों के पूरे जिले को कांग्रेस की रोजगार के हक की लड़ाई में रंग दिया। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आरएस पाली ने कहा कि कांग्रेस की सरकार 5 लाख रोजगार एवं 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड लेकर आएगी और प्रदेश में सभी खाली पड़े पदों को भरेगी। यात्रा में राइट टू लिव, राइट टू एम्प्लॉयमेंट का भी नारा दिया गया।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पालमपुर का दौरा उन्होंने किया 13 सितंबर यानी आज उन्होंने पालमपुर का दौरा किया। प्रगतिशील हिमाचल के 75 वर्ष समारोह पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने एक दिवसीय मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के ज्वार पार्क में आयोजित लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्तमान में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है और कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर प्रदेश में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में जनसैलाब उमड़ने के कारण कांग्रेस पार्टी हताश हो गई है। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर में 53 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास करने पर क्षेत्रवासियों को भी बधाई दी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के हरडगलू मेला मैदान में जनसभा को संबोधित किया जिस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश ने अपने गठन से लेकर अब तक कई उतार चढ़ाव देखे हैं। शुरुआती दौर में प्रदेश में सड़कों की लंबाई मात्र 228 किलोमीटर थी लेकिन प्रदेश ने विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए अब सड़कों की लंबाई 39,000 किलोमीटर से ऊपर पहुंचा दी है। इसके साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए। इसके बाद सीएम ने प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम की भी अध्यक्षता की। विधायक खेलकूद प्रतियोगिताएं 2022 के तहत आज सोमवार को जमटाखंड की प्रतियोगिताओं का आयोजन माता बाला सुंदरी मैदान जमटा में किया गया और इस आयोजन में नखेड़ा पंजाहल नैनी धीरा और इसके सहित 22 पंचायतों के कबड्डी और कुश्ती खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। महिलाओं की रस्साकसी प्रतियोगिता आयोजन की आकर्षण का केंद्र बनी रही। इन प्रतियोगिताओं का आयोजन भाजपा खेल प्रकोष्ठ द्वारा किया गया और डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं के तहत खिलाड़ियों की सुविधा के लिए जमटा कोलर त्रिलोकपुर और सीतावाला चार खंड बनाए गए हैं। जमटा खंड की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ जबकि त्रिलोकपुर कोलर और सीतावाला में अगले चरण में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रदेश में लगातार ही लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिला बिलासपुर में लंपी वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस महामारी के फैलने से क्षेत्र के किसान परेशान हैं। वहीं इस पर वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र से पशु विशेषज्ञ टीम बिलासपुर पहुंच चुकी है। बिलासपुर जिला में अब तक 3,155 मवेशी लंपी वायरस की चपेट में आ चुके हैं जिसमें 127 पशुओं की मौत हो चुकी है। लंपी वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्र से 2 सदस्यों सहित पालमपुर वेटनरी कॉलेज से 3 सदस्यों की टीम बिलासपुर पहुंच चुकी है। वायरस की रोकथाम के लिए विचार विमर्श कर जल्दी ही इस बीमारी पर काबू कर लिया जाएगा और जिला के सभी पशुपालकों और गौशाला संचालकों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि इसके संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार ने सत्ता पर काबिज होने से पहले महंगाई सहित अन्य मुद्दों को हल करने का वादा किया था लेकिन ये सरकार ही अपने वादे पूरा करने में नाकाम साबित रही है। इन सरकारों के कार्यकाल में महंगाई इतनी अधिक बढ़ चुकी है जिससे कि आम आदमी पार्टी का जीना मुश्किल हो गया है। आशीष ठाकुर ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार से 16 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था लेकिन ना तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला और ना ही अवसर मिले। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से छोटी काशी मंडी में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर प्रदेश में चुनावी शंखनाद किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में भाजपा युवा मोर्चा के विशाल महागर्जना रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं।
रैली में प्रदेश भर के 1 लाख से अधिक युवा पहुंचेंगे। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राकेश जम्वाल ने मीडिया के साथ अनौपचारिक बातचीत में दी है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल जम्मू के साथ। नमस्कार।